हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित बसीन हियर। तो रेडियो नीट का फॉर्म फिल करने के लिए, रेडियो डॉक्टर बनने के लिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो नीट का फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। लाइव डेमो मैं आपको करके बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप है, आपको क्या क्या फिल करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आईडी प्रूफ अपलोड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लाइव डेमो हम करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीट के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आपका भाई आपको देगा, चाहे वो काउंसलिंग के रिलेटेड है, कौन से कॉलेज की कितनी ऑफ कट ऑफ जाएगी, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आपको टाइम टू टाइम देता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और मैं जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको नीट की जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। तो बच्चों, ये हमारा ऑफिशियल लिंक होने वाला है जिसको आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है, लेकिन आपको ऐसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 के लिए ये जो है फॉर्म हम फिल करने वाले हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग की आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिल आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का पेज आपके सामने जब ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट डॉक्यूमेंट। तो आपने इसमें से कोई भी स्टेप को चूज नहीं करना है। आपने यहाँ पे लास्ट में जो देखा लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हो, आप फर्स्ट टाइम जो है फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बाकी इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बुलेटिन जो ब्रोशर होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या आपकी फीस रहने वाली है। थोड़ा सा इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिख रखा है, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी जो है अपने चैनल पर बना चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ से अपने बुलेटिन को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ग्रीन कलर का देख सकते हो। तो अगर आप बुलेटिन को इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ये येलो वाला जो है उसके ऊपर क्लिक कर दे रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए फीस वगैरह आपकी जो है क्या रहने वाली है। आपको इस चीज को अगर देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप इसमें पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैसे करनी है, आपको जो पासवर्ड है वो अपना कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले चीजें बता देता हूँ, फिर हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे फिल आउट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं पासवर्ड के बारे में बता देता हूँ कि पासवर्ड आपको जो है वो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा है, लिखा हुआ है, देखो द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन द सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर प्री क्रिएटेड पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड जो बनाना पड़ेगा अपनी पर्सनल डिटेल्स के बाद, तो वो पासवर्ड जो आपको अपने हिसाब से जो है वो बना लेना है, लेकिन पासवर्ड वही बनाना जो आपको याद रहे, या फिर उसको कहीं पे लिख के रख लेना, अपने एप्लीकेशन नंबर को भी और पासवर्ड को भी, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बिना आपका कोई भी जो है पोर्टल लॉग इन नहीं होगा बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसलिए आपको जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है वो दोनों आपके पास होने चाहिए, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, फोटोज के बारे में लिखा हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कितने होने चाहिए, आपका कलर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी चल जाएगी, 80% फेस आपका होना चाहिए क्लियर, और विदाउट मास्क आपकी जो फोटो होनी चाहिए इजिली आपके, इंक्लूडिंग ईयर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ये जो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको कवर करके बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी इनको पढ़ना चाहते हो तो आप अपने स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है वो पढ़ सकते हो। बाकी नीचे आ जाओगे तो जैसे ये सारी चीज अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ पासवर्ड आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड, पासवर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है पासवर्ड के बारे में, तो आपका जो पासवर्ड है वो 18 to 30 करेक्टर जो है वो आपका लंबा लॉन्ग होना चाहिए। तो जिसमें आपका पासवर्ड मस्ट बी हैव एटलीस्ट वन अपर केस, यानी कि एक आपका बड़ा लेक्चर होना चाहिए, और नीचे हिंदी में भी लिखा, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में पढ़ लो। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोअर केस लेटर, और एक आपका छोटा लेटर होना चाहिए, और चौथे नंबर पर यहाँ पे लिखा एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कुछ भी जो है वो चूज कर सकते हो, मिनिमम आपका 1 होना चाहिए, मैक्सिमम आप जितने मर्जी डाल सकते हो। उसके बाद पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर, ये आपके स्पेशल करेक्टर यहाँ पे जो है वो मेंशन किए गए हैं, जैसे एट द रेट, हैश, तो इन सब चीजों में स्टार, परसेंटेज, तो आप कोई भी इसमें से एक चीज जो आपको वो यूज कर सकते हो। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो रीसेट कैसे करना है, ये उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, और रीसेट करने के लिए आपको वही आपका मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और साथ में आपको अपनी ईमेल एड्रेस जो है उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, उससे आप जो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो इन केस अगर आप भूल जाते हो। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अपने एप्लीकेशन नंबर को और पासवर्ड को अच्छे से नोट डाउन करके
रखना। तो जैसे ही आप इसके ऊपर आ जाते हो तो लास्ट में आप यहाँ देख सकते हो 8 नंबर का जो स्टेप है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखा है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन, कि मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ ली है, उसमें बुलेटिन के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं मैं उसके लिए सब कुछ उत्तरदायी हूँ, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे टिक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप टिक के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लास्ट में येलो कलर का बना हुआ क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आप सिलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपने यहाँ पे जैसे ब्लू कलर का टिक किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे लिखो आई हैव आधार नंबर, कि आपके पास आपका आधार कार्ड है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप डिजी लॉकर अकाउंट वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। अगर आपके पास आई डोंट हैव डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट, अगर आप उसी टाइम बनाना चाहते हो तो डिजी लॉकर के थ्रू अकाउंट बनाकर भी आप लॉग इन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अकेडमिक बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो आप ये चूज कर सकते हो। अकेडमिक अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप इसको ऑप्शन को चेक करके क्लिक करके बना सकते हो। अगर आप पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट है अगर आपके पास, उसके थ्रू लॉग इन करना चाहते हो तो पासपोर्ट के थ्रू लॉग इन कर सकते हो। पैन कार्ड के थ्रू लॉग इन करना चाहते हो तो लॉग इन पैन कार्ड के थ्रू लॉग इन कर सकते हो। तो जो भी अगर आपको ऑप्शन सही लगे तो उसके ऊपर आपके सामने उसके आपके टिक कर देना। टिक करने के बाद जैसे अगर आप आधार कार्ड नंबर करते हो तो यहाँ पे देखो आपका आधार नंबर जो है वो मांगेगा, यहाँ पे लिखा आधार नंबर। तो यहाँ पे आपने क्या करना, अपना आधार नंबर को फिल कर देना है, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा गया है जनरेट ओटीपी, तो आपको क्या किया जाएगा, ओटीपी जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप पैन कार्ड करोगे तो यहाँ पे पैन नंबर मांगेगा, तो जिससे जो भी आप ऑप्शन टिक करोगे चूज करोगे वो आपका जो ऑप्शन मांग लिया जाएगा। इसके बाद जैसे आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू दिस, यहाँ पे आपका कोई जो नंबर होगा वो मेंशन हो जाएगा। मेंशन होने के बाद आपका जो ओटीपी है उस फोन नंबर पे आ जाएगा। तो जो भी ओटीपी आया होगा वो आपने यहाँ पे फिल आउट कर देना है। फिल आउट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, वैलिडेट ओटीपी येलो कलर के क्लिक आइकन पे ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है, उसके बाद इस तरह का जो है आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर शो हो रहा है, कि जो भी आपका आधार नंबर होगा, और आपका नाम शो हो रहा होगा, जो भी आपका नाम होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो रही होगी। सारी चीज आपने जो चेक कर लेनी है, और आपका यहाँ पे जेंडर जो है वो शो हो रहा होगा कि आप मेल हो फीमेल हो। तो जो भी आपकी सारी डिटेल होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, आपने इसको अच्छे से जो है वो चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना नाम जो है वो भरना है, गार्डियन का कैंडिडेट का नेम जो भी होगा फिल आउट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे अपने अपने फादर का नेम भरना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फादर का नेम, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मदर का नेम। अच्छे से भरना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको रिटर्न में वापस में जब इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी उसमें आप चीजें वो चेंज नहीं कर सकते। तो ईच एंड एवरी स्टेप को आपको अच्छे से फिल आउट करना है, सोच समझ के और आंखें खोल कर, कोई भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ पे आपने मंथ चूज कर लेना है, यहाँ पे आपका जो भी होगा डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा उसको चूज कर लेना है, यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा, यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी कि आप इंडियन हो या फिर फॉरनर हो। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा पहचान के प्रकार, आइडेंटिटी टाइप, कि आप कौन सी आइडेंटिटी टाइप है इसके। यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो आप कोई भी अपने जो आपका आइडेंटिटी होगी उसको आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका जो है, उसके जो भी आप आइडेंटिटी चूज करोगे उसका जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पे फिल आउट कर देना है। फिल आउट करने के बाद इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, इसको नीचे करोगे, नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पता, यानी कि आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है सब लोकेलिटी ऑप्शनल, ये आप भरना चाहो तो भर लो, नहीं भरना चाहो तो ये ऑप्शनल है ये वाला। उसके बाद लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी क्या है, कि आप कहाँ पे रहते हो, कंट्री क्या है आपकी, इंडियन है या फिर आउट ऑफ इंडियन है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पिन कोड, आपका जो पिन कोड है आपका जहाँ पे आप रहते हैं उसको आपने भरना है। तो आप इफ यू डोंट हैव पिन कोड जिप कोड यू कैन फिल 0, अगर आपके पास कोई पिन कोड या जिप कोड नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इतनी 0 जो है आपने यहाँ पे इसमें फिल कर देनी है। और यहाँ पे आपको मेन चीज आ गई मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने अपना नंबर जो है फिल कर देना है। और मोबाइल नंबर को ध्यान से भरे, देखो उन्होंने 2 बार नंबर मांगा है कंफर्म मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही आपकी जो आगे की प्रोसीजर कंप्लीट होगा, आपकी काउंसलिंग भी आपके मोबाइल नंबर से ही आगे चलेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान से फिल करना है आपने।
उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, ईमेल एड्रेस भी आपका कंफर्म मांगा जा रहा है, क्योंकि कल को आपको पासवर्ड भूल जाते हो या फिर अगर आपको कोई काउंसलिंग में एडमिशन लेनी है, प्रोसीजर कोई भी अपडेट आती है एनटीए की तरफ से, नीट की तरफ से, वो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर ही आएगी, इसलिए इनको दोबारा से कन्फर्म कन्फर्म किया जा रहा है कि आप कोई भी गलती ना करें। उसके बाद अल्टरनेट, अगर आपके कोई घर का नंबर अगर भरना चाहते हो तो भर दो, ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपल्सरी, मर्जी आपकी, भरना भर देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा पता, दोबारा से आपने अपने पता एड्रेस नेम के साथ यहाँ पे आपको जो है फिल कर देना है। उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, ये भी भरना चाहो तो भर लो, नहीं भरना तो आपकी मर्जी है। फिर से लोकेलिटी आपने यहाँ पे भरनी है, कंट्री सिलेक्ट करनी है, सेम यहाँ पे अगर आपको बोला गया फिल कोड, आपको जिप कोड जो है अपना पिन कोड भरना है, नहीं है तो इतनी 00 जो है वो यहाँ पे फिल कर देना। अब यहाँ पे पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड अब आपने यहाँ पे फिल करना है इस कॉलम के अंदर। फिर आपने क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड, अपने पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा कि इनकेस अगर आपको कल को पासवर्ड भूल जाते हो तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आपने याद करना है यहाँ पे, या फिर इसको कहीं पे मेंशन करके या फिर लिख के लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो भी हो आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे उसका आपको आंसर देना है, यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको जो है रिमेम्बर होने चाहिए, कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कैप्चा पूछा जाएगा, ये वाला जैसे कैप्चा यहाँ पे मेंशन है वो कैप्चा आपने यहाँ पे फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, तो सबमिट आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार आपने सारे की सारी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी डिटेल्स को A to Z अच्छे से कंफर्म कर लेना है कि सारे की सारी जो डिटेल्स सही है। सही करने के बाद ही आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो इस तरह का नेक्स्ट स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यू मे डू रिप्रेसिंग। अगर आपके पास यहाँ पे पहले आपने सारी की सारी डिटेल चेक कर लेनी है, जो जो आपने डिटेल्स भरी है यहाँ पे, जो ऊपर आप डिटेल्स भर के आए हो, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये मदर नेम आ गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, आपका ये घर का एड्रेस आ गया, और ये आपका कहाँ पे आप रहते हो, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है, तो ये आपका राज्य, स्टेट, हाउस नंबर, जो भी आपका ईच एंड एवरीथिंग आप ऊपर डिटेल भर के आए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा था कि आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था और कहाँ पे था, तो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने सारा कुछ चेक कर लेना। अगर तो आपका कोई डाउट लग रहा है कि कुछ गलत फिल हो गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये यहाँ पे रेड कलर का एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और इसके साथ है सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो अगर आपसे कोई एरर हो गया, कोई गलती होगी, तो आपने रेड कलर वाले पे क्लिक करना है, अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपने ग्रीन कलर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे माई नेम सब कुछ आपने जो है टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कृपया नीचे दिए गए विवरण को ध्यान से सत्यापित करें और सुरक्षित करें कि सारी परीक्षा के अनुसार पंजीकरण जमा करने के बाद बदलाव अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ देखो उन्होंने ये चीज मेंशन भी कर दी है कि अपना नाम, पिता का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इन सब चीजों को ध्यान से भरें, इनको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते जो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो आप करेक्शन विंडो के अंदर इन सब चीजों को जो है वो दोबारा से फॉर्म फिल नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना नाम, ये सारी चीजों को आपने जो है वो ध्यान से एक बार ही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा डेक्लारेशन। डेक्लारेशन के अंदर यहाँ पे आपने फिल कर देना कि आई एग्री कि जितनी भी ऊपर आपने डिटेल्स भरी है वो सारी की सारी सही है, इसके बाद कोई गलती होती है या कुछ होता है उसके जिम्मेदार फिर आप होगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई गलती हो रही है तो आपने एडिट पे क्लिक कर देना है, अगर आपकी एडिट सही है, सब कुछ सही है, तो आपने इस पे ब्लू वाले पे क्लिक कर देना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे फिर से पूछेगा कि आप कंफर्म्ड हो कि आपकी जो सारी चीजें भरी हुई हैं वो एकदम से सही हैं, तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये आपको ओटीपी जनरेट करेगा आपके फोन नंबर पे, जो आपने फोन नंबर भरा होगा तो वहां पे आपका एक ओटीपी आ जाएगा। इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल, आपको ईमेल भी आ जाएगी और आपको ओटीपी जो है वो भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल पे ओटीपी आएगा, तो ईमेल पे आपने यहाँ पे ओटीपी जो है वो यहाँ पे फिल कर देना है पीछे, और एक आपको क्या करना है सिक्योरिटी कैप्चा दिया जाएगा, सिक्योरिटी कैप्चा आपने यहाँ पे फिल करके उसको क्या कर देना सबमिट कर देना। अगर आपको ओटीपी नहीं आता तो आप यहाँ पे रिसेंड ओटीपी पे भी क्लिक कर सकते हो। ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, अब लॉग इन करना है। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लॉग इन, एप्लीकेशन नंबर डाल देना, आपको मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड डालना और सिक्योरिटी पिन डालना, कैप्चर डालना। कैप्चर डालने के बाद आपने क्या करना है लॉग इन कर देना है यहाँ से,
तो लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने जब वो ओपन होगा लाइक दिस, इस तरह का ऑप्शन होगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो अभी हमने प्रोसेस कंप्लीट किया ये आपका रजिस्ट्रेशन का था, अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर आपकी फी पेमेंट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको उन्होंने लिखा हुआ है इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे आप साइड पे भी देख सकते हो आपने रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब हमने क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एप्लीकेशन नंबर इस तरह से आपका जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट होने के बाद आप यहाँ पे येलो कलर का देख सकते हो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कि आप अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी कंप्लीट होगा। तो जैसे आप इस येलो आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हो। तो सेम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो चीज आपने पहले भरी थी वही वही भरनी है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर नेम, ठीक है, तो आपका जो भी नंबर नेम था, आपका लोकेलिटी थी मेरठ थी, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ मेरठ, तो यहाँ पे अपनी कंट्री जो भी थी, आप कहाँ पे रहते हो ऑप्शनल है, ये भरना चाहे भर दो, आपकी स्टेट का भर देना, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, जिला क्या है, आपका कंट्री कोड, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, भरना चाहो तो भर दो। यहाँ पे आपका आ जाएगा पिन कोड, पिन कोड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका नहीं है तो वही 00 भरना है। तो एमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई एमरजेंसी मोबाइल नंबर यह भरना कंपल्सरी है, यहाँ पे कोई नंबर भर देना अपना अलग से। एमरजेंसी कोई ईमेल आईडी, कोई अलग से ईमेल आईडी है आपके पास उसको भर देना यहाँ पे। और उसके बाद जैसे हम नीचे आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा परमानेंट एड्रेस, मतलब ये यहाँ पे क्या करना है, आपने जो ऊपर एड्रेस भरा था तो आपने यहाँ पे सिंपल पे क्लिक कर देना आइकन पे, ये ब्लू कलर का आइकन देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो जो आपने ऊपर एड्रेस भरा था वही सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, अगर आपका अलग एड्रेस है तो सेम ही एड्रेस है तो आपने इस ब्लू आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद तो आपका सारा का सारा डाटा जो है वो आपने सेम हो जाएगा, वही सारी चीज आपने यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी, लोकेलिटी आ जाएगी, तो ये सारी चीजें फिल आउट चेक कर लेना एक बार अच्छे से। चेक करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा कैप्चा, कैप्चा आपने यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद फिर से आपने यहाँ पे देखना कि ऊपर जितनी भी ये सारी डिटेल्स भरी गई हैं वो सारी की सारी सही है, तो आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेव एंड नेक्स्ट, तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, लेकिन आई एग्री करने से पहले एक बार ईच एंड एवरीथिंग स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ओपन होगा, डेट इज, तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से वही चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा, नेम, लोकेलिटी, कंट्री, ये सब चीजें आपको शो करेगा, पिन कोड। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी, इमरजेंसी ईमेल आईडी आपने जो है सारी देख लेना। यहाँ पे देखो टिक आ जाएगा, टिक आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका टिक आ जाएगा। टिक आने के बाद जो है आपने यहीं जैसे यहाँ पे क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा भर दिया, कैप्चा एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, आई एग्री पे जो आपने क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपको बताया आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका आ जाएगा कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह का टिक, और ओके पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का कैंडिडेट नेम जो भी आपका नाम होगा वो शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा, आइडेंटिटी टाइप जो आपने चूज की थी, ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से हो, आप कोई आपको डायबिटिक है या कुछ आप पेशेंट हो या नहीं हो, वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद बिलोंग्स टू मिनोरिटी, आप किसी मिनोरिटी से बिलोंग करते हो, यानी कि आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपने यहाँ से देखना कि आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद मोड्स ऑफ प्रेपरेशन, आप कैसे कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर आपने कहीं ट्यूशन रखी थी, वो सब कुछ यहाँ पे आपने, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले। तो यहाँ पे आपसे आप क्लिक करोगे आपके बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, आप कोई भी चाहो तो उसमें से चूज कर लेना, लेकिन वही चूज करना जिसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कोई वैलिड प्रूफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप नीट यूजी में इस कोड के विपरीत, आप इन्होंने लिखा है कि डू यू इंटेंड टू वेयर कॉस्ट्यूम ड्रेस कॉन्ट्रैक्टेड टू द ड्रेस कोड व्हाइल अपेयरिंग इन नीट यूजी 2024, तो आप यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। इसका मतलब है कि आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रदार्थ पोशाक पहनने की इरादा रखते हैं, मतलब कोई नीट यूजी के अलावा कोई और ड्रेस पहनना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस कर देना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका कंट्री का रेजिडेंस इंडियन हो तो यहाँ पे आप कहाँ से हो, रूरल एरिया में रहते हो या फिर अर्बन एरिया में रहते हो, वो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। तो उसके बाद कैटेगरी आपकी आ जाएगी, ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, नेशनैलिटी, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे वही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपसे पूछी जाएगी, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच कर लेना, मतलब वही जो आपने भरना है वही आपको दोबारा दोबारा से फिल आउट करना है, लेकिन हर बार आपको चेक जरूर करना है कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कैप्चा पूछा जाएगा, कैप्चा आपने यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद वही सेम आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, अगर आपकी कोई पीछे गलती रह जाती है तो आप यहाँ से बैक भी कर सकते हो, अगर आपका सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जो है वो क्लिक
कर देना है। तो सेव एंड क्लिक करने के बाद अगर जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से होंगे तो उनको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो वो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वहीं सेम कैप्चा भर के यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आई एग्री करने का सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जो है क्लिक कर देना है, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल से। उसका सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर नो हो तो यहाँ पे आपको नो कर देना, अगर आप येस हो तो येस कर देना। तो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कैप्चा फिल किया गया आई एग्री पे इस तरह का टिक आ जाएगा, टिक आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो जो बच्चे पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स नहीं है वो नो फिल करेंगे, जो है वो यहाँ पे येस कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद इस तरह की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, पीडब्ल्यू डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपने क्या करना है, ओके के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट यानी कि नीट का, फिर आपके यहाँ पे स्टेट का आ जाएगा और आपकी चॉइस क्या है कि आप एग्जाम जो है वो कहाँ पे देना चाहते हो। परीक्षा राज्य पहला विकल्प कि फर्स्ट स्टेट आप कहाँ पे जो देना चाहते हो, आप देना चाहते हो उत्तर प्रदेश में। अगर कोई दूसरी स्टेट में जाके देना चाहते हो तो आप दूसरी स्टेट के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर सकते हो। उसके बाद जो आपके फादर है वो क्या करते हैं उनका ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। मदर क्या करती है उनका ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस लैंग्वेज में आना चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश फिल करनी है, हिंदी, जो आपकी जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से आपको जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि आप एग्जाम कौन सी सिटी में देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे स्टेट पूछा था, अगर आप स्टेट उत्तर प्रदेश में देना चाहते हो तो सिटी कौन सी चाहते हो, तो सिटी जैसे आप अपनी सिटी चूज कर सकते हो, कोई आसपास की सिटी चूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो उसके आसपास आप जो भी है देख सकते हो। जो आपने दूसरे नंबर की सिटी चूज की थी अपनी चॉइस के लिए, उसके अंदर कौन सी सिटी रखना चाहते हो दूसरी स्टेट के अंदर, तो ये दूसरी स्टेट होगी, तो इसकी दूसरी स्टेट की दूसरी सिटी भी आपको यहाँ से चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि पहले स्टेट की पहली सिटी तो उसके हिसाब से चूज करनी है, दूसरे स्टेट जो आप चूज करके उसकी सिटी उसके हिसाब से चूज करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना कि आपके फादर ग्रेजुएट हैं या फिर क्या करते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन फादर की यहाँ पे से आपको चूज कर लेनी है, वो ग्रेजुएट हैं या नहीं। मदर की क्वालिफिकेशन यहाँ से चूज कर लेनी है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिर से भरना है, कैप्चा यहाँ पे आपका फिल आउट हो जाएगा। फिल आउट करने के बाद सेम आई एग्री पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वही सेम एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेम एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब इस तरह का आपके सामने ऑप्शन जो है सामने ओपन होगा, इसको ध्यान से भरना है, ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको अच्छे से। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या करना है, यहाँ पे पास स्टेटस कि आपकी 10th जो है वो पास कर चुके हो, तो जी हाँ हम पास कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 10th पास में हो, इक्विलेंट जो भी आपको यहाँ से ऑप्शन आएंगे वो आपने कर देना है। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने जो पास की थी उसको यहाँ से आपने फिल कर देना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने जो 10th को पास किया था। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कोई स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से स्कूल सिलेक्ट कर लेना। और एग्जामिनेशन स्टेट आपकी कौन सी है, बोर्ड कौन सा है यानी कि, तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना। स्कूलिंग का स्थान क्या कि आप स्कूल आपकी स्कूल की लोकेशन कहाँ पे है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हो। स्कूल का बोर्ड क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का नाम आ जाएगा कि कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो, ठीक है। स्कूल का पिन कोड क्या है, ये स्कूल का पिन कोड आप अपने स्कूल से भी पता कर सकते हो, नहीं तो अगर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है शायद उस पर भी लिखा होगा, और नहीं तो अगर आपको स्कूल से मिल जाएगा आप स्कूल से फाइंड आउट करके उसको निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा कि 10th में आपका रोल नंबर क्या था, ठीक है, रोल नंबर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट का मोड जो है वो कैसे आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर, यहाँ से आपने क्लिक करके इसको सही कर लेना, चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 11th की डिटेल्स अब आपको यहाँ पे फिल करनी है। 11th के लिए सेम, 11th कब आपने पास स्टेटस की थी, ठीक है, कब ईयर पास किया था और क्वालिफाई एग्जाम कब हुए थे आपके, स्कूलिंग का स्थान क्या था, सेम डिटेल जो आपने 10th में भरी थी वही सेम 11th के लिए है। स्कूल की लोकेशन कहाँ पे थी, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, पंजाब बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था, हिमाचल था, CBSE था, ICSE था, जो वो सब कुछ डिटेल आपने भर देनी है। और 11th में आपका रोल नंबर क्या था और रिजल्ट मोड आपका कैसे आया था और कब कब आपने पास की थी, वो ईच एंड एवरीथिंग आपने जो है वो फिल आउट कर देनी है। सब कुछ आपको सर्टिफिकेट के ऊपर जो है सब कुछ लिखा होगा, वहीं से देख देख के आपने सबको फिल करना है, इसलिए अपने सर्टिफिकेट को साथ लेके बैठे 10th का, 11th का। और जो बच्चे अभी 12th में हैं या फिर 12th दे चुके हैं उनके लिए ये डिटेल्स हैं। तो पास स्टेटस आपके लिए, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, जो पास जो भी 12th में है तो उनको यहाँ पे फिल करना है। अपियरिंग, एक चीज का ध्यान रखना, जो तो ऑलरेडी पास आउट कर चुके जो ड्रॉपर बैच के हैं तो वो तो अपनी डिटेल्स सारी की सारी भर देंगे, लेकिन जो बच्चे अभी 12th के अंदर हैं तो उनको यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हो पासिंग
स्लैश अपियरिंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपियरिंग सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमारी ट्वेल्थ जो है वो चल रही है, तो उसके हिसाब से आपके ये सारा का सारा जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम अपियर कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट है तो उनको सेम टू सेम यहाँ पे वही डिटेल्स भरनी है जो आप 10th 11th में भरकर आए थे। उसके बाद सेम आपने सारी डिटेल्स आपने चेक कर लेनी है कि स्कूल का नाम, रोल नंबर आपने सही से अच्छे से भरा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से चेक करने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी फॉर्म को फिल करते टाइम, टाइम लेना अच्छे से करना, और यहाँ पे सेम कैप्चा भर देना। कैप्चा भरने के बाद अब आपने यहाँ पे कैप्चा को फिल आउट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा भी सकता हूँ थोड़ा सा जूम करके कि कैसे कैसे डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th इक्विवेलेंट पास हो चुके, आप ऑलरेडी स्टेट कहाँ से पास की थी वो सिटी का नाम लिख देना है, स्कूल का नाम कहाँ क्या था वो यहाँ पे फिल कर देना है, रोल नंबर आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई थे, ये उत्तर प्रदेश आपकी जो है वो स्टेट थी, और प्लेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग की जगह कहाँ पे थी वो यहाँ पे फिल कर देनी है, कब आपने पास की, 2012 में की, 2022 में की, 2010 में की, 2021 में की है, जब भी आपने की है वो सब कुछ आपने यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे आपका आ जाएगा सीजीपीए यानी कि रिजल्ट का मोड क्या था, सीजीपीए में आपकी जो है वो आए थे, वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि क्या क्या होगा, वहीं से देखते देखते आपने जो है सब कुछ फिल कर देना है। जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे ऐसे टिक मार्क के निशान आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेम 11th के लिए भी आपने यही करना है, 11th इक्विवेलेंट है और मेरठ में की थी या फिर आपने आगरा से की थी, हरियाणा से की थी, कहाँ से की थी वो सब कुछ आपने कर देनी है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट का मोड इनका था, परसेंटेज में आया था रिजल्ट 11th का, तो अगर आपका परसेंटेज में आएगा तो परसेंटेज कर देना, सीजीपीए में आएगा तो सीजीपीए में कर देना। तो यहाँ पे आपसे पूछे थे टोटल मार्क्स कितने थे, आपकी कितनी परसेंटेज बन रही थी, तो वो सारी चीजें आपने यहाँ से मेंशन कर देनी है कि टोटल मार्क्स आपके 600 नंबर के एग्जाम्स हुए थे और जिसमें से आपके 410 नंबर आए थे, तो जितने भी आपके नंबर आए होंगे वो आपने सब कुछ यहाँ पे फिल आउट कर देना है, ठीक है। सेम आपको 12th के लिए भी करना है, अगर लेकिन 12th के लिए जो बच्चे अपियरिंग है तो उनको सिर्फ यहाँ पे अपियरिंग पे ऊपर सेलेक्ट करके अपियरिंग कर देना। तो इस तरह से आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो फिल होंगी। फिल होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नंबर भरने हैं इंग्लिश के, ठीक है, फिर यहाँ पे भरने केमिस्ट्री के, यहाँ पे भरने आपको फिजिक्स के, यहाँ फिर आपको भरने बायोलॉजी के और बायो टेक्नोलॉजी के, कितने में से 100 में से आपके कितने नंबर आए थे वो यहाँ पे आपने फिल कर देने हैं। सेम केमिस्ट्री के, सेम फिजिक्स के, सेम यहाँ पे बायोलॉजी के और यहाँ पे इंग्लिश के, चारों के फॉर्म नंबर फिल करने के बाद आपने अच्छे से चेक कर लेना कितने कितने नंबर आए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह नंबर तो अपने देख के फिल कर देने हैं। फिल करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे आपका कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा भरने के बाद वही सेम आपको क्या करना है, यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है आपकी सेव्ड हो चुकी है सक्सेसफुली, तो आपने यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ट्विन्स हैं तो नो, अगर आप ट्विन्स नहीं है नो, तो अगर आप ट्विन्स है आपका कोई है तो आपने यस भर देना, अगर आप पहले नीट दे चुके हो तो यस, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे नो भर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सेम आई एग्री पे क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेम इस तरह से आपका जो है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। ओके के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपनी फोटो डालनी है, सिग्नेचर डालने हैं, ठीक है, परमानेंट एड्रेस प्रूफ डालना है, फोटो जो पासपोर्ट साइज होती है वो डालनी है एक, ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज, यहाँ पे जो है पोस्ट कार्ड वाली, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स के इंप्रेशन, यहाँ पे थंब इंप्रेशन, 10th का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी फाइल जो है वो चूज करके डालनी है, और उनकी जो साइज है स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो रहने चाहिए जेपीजी फॉर्म के अंदर। आप देखो पहले आप अगर आप सिग्नेचर अपलोड करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको मेंशन भी हो जाएगा, ठीक है, आपकी जो जो फाइल आपको दिखती भी रहेगी कि आप क्या क्या मेंशन कर रहे हो, क्या क्या यानी कि अपलोड कर रहे हो, वो सब चीज आपको मेंशन होती रहेगी साथ साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है फोटो, यहाँ पे आपकी फोटो बनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर बने आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी, यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट हैंड थंब फिंगर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपका थंब एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। बस जिन बच्चों का कोई एरर आएगा, अपलोड नहीं हो रहा होगा, तो उसका मतलब यहाँ पे उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सही नहीं है, अपनी स्पेसिफिकेशन को जरूर चेक कर लें, और या फिर उन्होंने जो फोटो खींची है वो थोड़ी सी ब्लर होगी, ब्लर फोटो और स्पेसिफिकेशन को अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो आपकी यहाँ पे एरर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान से भरो, स्पेसिफिकेशन का खास करके इन सबको ध्यान रखें, इन्हीं केबी के अंदर, इन्हीं डाटा फाइल साइज के अंदर ही आपको अपना डाटा जो है वो तैयार करना है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईच एंड एवरी डाटा जो आपका शो हो जाएगा, जो भी आपने डाटा भरा था अभी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी। तो
तो आपने ईच एंड एवरीथिंग को आपने यहाँ पे शो कर दे पढ़ लेना है जो भी आपको शो हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपका नेम से लेकर इनकम आपने कितनी भरी थी, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, रेजिडेंस प्रूफ, थंब एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखो शो होगा। सारी की सारी चीजें जो आपने यहाँ से डिटेल्स में जो है अच्छे से चेक कर लेनी है, रीड आउट कर लेनी है कि आपका एड्रेस प्रूफ, ईच एंड टोटल परसेंटेज कितनी थी 10th में, 11th में, देखो सब कुछ आपका यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग को आपने क्या करना, अच्छे से रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्री कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो जैसे ही आपके नंबर पे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि ओटीपी आपको सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, अपने ओटीपी को डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे 10th का क्लास सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, तो जो ईच एंड एवरीथिंग आप अपलोड करते जाओगे उसकी ये आपको जो है नोटिफिकेशन देता रहेगा कि क्या क्या चीज आपकी जो अपलोड हो गई है सक्सेसफुली। तो इस तरह से अब आपने ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो योर मोबाइल नंबर इज ऑल्सो वेरीफाइड, आपका मोबाइल नंबर भी जो वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ईच एंड एवरीथिंग, आपकी फोटो वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा कि आपके सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, फोटो, सब कुछ आपका जो है वो हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपको देखो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोने में लिखा है फाइनल सबमिट की सारी डिटेल अगर आपने भर ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी अपडेट आपकी शो हो जाएगी A to Z। उसके बाद आपने क्या, अगर आपको कोई एरर लगता है तो आप यहाँ से बैक पे जा सकते हो। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपने यहाँ पे फाइनल पे टिक कर देना है ओके सबमिट की फाइनल, मेरा जो भी मैंने फॉर्म फिल करा है वो मैंने सही भरा है, ईच एंड एवरी डिटेल उसमें जो है वो सारी की सारी जो है वो सही है, सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पे देखो शो हो रही है, A to Z जितनी भी चीजें आपने भरी हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब कुछ आपका यहाँ पे शो होगा। तो फाइनल सबमिट अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो नाम भरा है, मदर नेम भरा है, मोबाइल नंबर भरा है, डेट ऑफ बर्थ भरी है, जेंडर भरा है, ईमेल आईडी, ठीक है, जो कुछ भी भरा आपने हर बॉक्स में टिक करते जाना। टिक करने के बाद आपने लास्ट में यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर देना। टिक करने के बाद इसका मतलब है कि जो जो चीजें मैंने भरी हैं वो सारी कुछ सही हैं। तो जैसे इन्होंने, मैं दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल नंबर, अपने नाम, फादर नेम, मदर नेम, इन सब चीजों को, ईमेल आईडी, इन सब चीजों को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपको से दोबारा जो टिक करवाया जा रहा है और पूछा जा रहा है, आप अच्छे से चेकलिस्ट करके आए हो, वेरीफाई जो है वो करके आए हो। तो इस तरह से आपको जो है सारे बॉक्सेस के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको वही सेम फाइनल सबमिट के ऊपर जो है वो जो है सिलेक्ट करके उसको ओके कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की फिर नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी आपका सक्सेसफुली हो चुका है। पहले रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई थी, फिर आपका अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसीजर आपके सामने जो ओपन होगा, ये करने के बाद इस तरह का प्रोसीजर आपके सामने ओपन होगा कि जो आपका नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा और आपकी अमाउंट शो हो रही, जो भी आपने ऊपर कैटेगरी भरी होगी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है वो आपको शो हो जाएगी कि कितनी अमाउंट आपको जो है वो पे करनी है। तो आपने पे नाउ के ऊपर जो है क्लिक कर देना, क्योंकि अब हमें जो अपनी फीस है, रजिस्ट्रेशन फी है, उसको पेमेंट करनी है। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह के आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो SBI, ईपे, HDFC, ICICI, तो और भी ऑप्शन आपके सामने जो वो देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो UPI का ऑप्शन भी है, तो आप UPI भी जो है वो कर सकते हो। UPI का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं UPI के, उस हिसाब से आपको जो है वो पेमेंट कर देनी है UPI से। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद इस तरह का आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी पेमेंट सक्सेसफुली, ठीक है। तो पेमेंट सक्सेसफुली जहाँ पे हुई है उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि बाद में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। तो जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है आपने ओके पे ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपके पास जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो जो नीट फॉर्म आपने यहाँ पे भरा था, ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपका पेमेंट अकाउंट जो आपने चेक कर लेना, सक्सेस लिखा आ गया, सक्सेस के ऊपर यहाँ पे आप अपने पेमेंट स्टेटस को चेक करके सक्सेस के ऊपर उसकी प्रिंटआउट निकाल लेना या फिर उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखना। पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो रेडी हो जाएगा, उसको भी आपने जो है वो प्रिंट आउट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी आपकी डन होगी, आपकी एप्लीकेशन नंबर भी डाउनलोड होगी, पेमेंट भी डन होगी। अब आप यहाँ से डैशबोर्ड पे ऊपर जा सकते हो, डैशबोर्ड के ऊपर जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, वरना यहीं पे आपको नीचे भी ऑप्शन कई बार मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अपडेट स्टेटस पे आप चेक करना चाहते हो यहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अब जो है वो डाउनलोड
कर सकते हो। यहाँ से अब आपको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो। लॉग आउट करने के बाद लॉग इन दोबारा कर लो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके जरूर रख लेना और उसकी दो चार कॉपीज बना के भी रख लेना। एक ही फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रिंटआउट जो है उसकी जीरोक्स करवा लेना या सेम टू सेम प्रिंटआउट ही दो तीन निकलवा लेना। आई विश आपको ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से समझ लग गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हो। लेकिन एट लास्ट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।